अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेबिन किचन। आज की हमारी रेसिपी है पाया करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। यहाँ पर मैंने चार बकरी के पाए लिए हैं, उससे सबसे पहले हम वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए मैं सबसे पहले आटा लगाऊंगी इसके अंदर, जो नॉर्मल रोटी का आटा होता है उसे अच्छे से मिक्स करेंगे पाए के ऊपर, ताकि जो भी एक्सेस बाल है, हेयर है, वो आराम से निकल जाए। और उसे 10 मिनट हमने छोड़ना है। 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से दो तीन पानी से वॉश करके रख देंगे। जिंजर गार्लिक है यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून, स्पाइसी चिली है 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, सौंफ लिया है मैंने। सौंफ डालने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, 1 टीस्पून है। प्याज है, एक मीडियम प्याज लिया है मैंने, इसे स्लाइस करके रखा है। सिनेमम स्टिक है, तेज़पत्ता है एक, दो तीन लौंग है, 4-5 काली मिरी है, 2 हरी इलायची है और 1 बड़ी इलायची है। इसके बाद मैंने प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर में पाए डाल देंगे, साथ ही प्याज भी डाल देंगे और गरम मसाला भी डाल देंगे। सारे मसाले हमने एक एक करके ऐड करना है। अगर आपके पास तीखी मिर्ची है तो आप 1 ही टेबल स्पून डालें, यहाँ पर तीखी मिर्ची इतनी मिलती नहीं है इसलिए मैंने दोनों मिर्ची यूज़ की है। नमक भी डाल दिया है मैंने, दही लिया है 1.5 कप, उसे भी मैं बीट करके डाल दूँगी इसके अंदर। उसके बाद मैंने ल्यूक वार्म वाटर लिया है 1 लीटर, उससे लीक वम होने से पाए जल्दी गलेंगे। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो पाए हमारे जल्दी नहीं गलेंगे। मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है और से हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट्स तक पकाना है, या जब तक आपके पाए गल नहीं जाते। यहाँ पर मैंने ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं किया है, ये पाए का ही ऑयल रिलीज़ हुआ है। थोड़ा सा गर्म मसाला इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और 5 से 7 मिनट्स के लिए हमने इसे दम पर पकाना है। अब हम इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने छोटी सी प्याज ली है और 2-3 हरी मिर्ची ली है। इसके बाद ये अच्छे से बॉईल हो चुका है पाए हमारे, और हम इसको अभी बघार दे देते हैं। 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें प्याज डाल देंगे। हरी मिर्ची अब हम नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। हरी मिर्ची पहले डालते हैं तो उसका रंग थोड़ा काला हो जाता है, हम बाद में डाल देंगे। इस तरह से ये बघार रेडी हो गया, हम अपनी करी के अंदर बघार डाल देते हैं। उसे थोड़ा सा स्टर करेंगे, हमारे पाए करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। डिश आउट कर लेते हैं इसे। ये बहुत ज़बरदस्त सूपी टाइप का पाया है, लेस मसाले के साथ। आप इसे तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ खाएं, और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली डिश है और बहुत जल्दी बनती है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।